हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज IGIPS का जो टेंटेटिव स्केड्यूल है एडमिशन 2021-22 को लेकर के उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा। ये स्केड्यूल काफ़ी पहले आ चुका है और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था। जैसा कि जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे उन लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है ये स्केड्यूल? सबसे पहली बात, ये टेंटेटिव स्केड्यूल है, मतलब इसमें बदलाव आ सकते हैं। जो डेट्स लिखी हुई हैं ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी डेट में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, प्रोसेस उसी डेट में कंप्लीट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि सारी चीज़ें टाइम से होंगी, कुछ लेट नहीं होगा और सब कुछ समय से कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मान करके हमें फ़िलहाल चलना है इस स्केड्यूल के हिसाब से। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या स्केड्यूल है। देखिए, 1 नवंबर से आपका क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव एडमिशन स्केड्यूल, जो कि ये खुद है, ये स्केड्यूल आ गया है और कैटेगरी वाइज लिस्ट आ जाएगी उन कैंडिडेट्स की जिन कैंडिडेट्स ने स्पोर्ट्स प्रोफिशेंसी अवार्ड के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो वो लिस्ट भी आ चुकी है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है उस लिस्ट के बारे में। वो लिस्ट आप में से सभी स्टूडेंट्स ने चेक कर ली होगी, अगर अभी भी नहीं करी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ से डाउनलोड करके देख ले कि आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि 2nd नवंबर 2021 को है। यहां से लेकर के 2nd नवंबर से लेकर के और 6 नवंबर तक पूरे वीक क्या होगा, आपके सर्टिफिकेट की जाँच होगी। जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है उसकी जाँच होगी कि वो कितना सही है कितना सही नहीं है और उस पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 8 नवंबर को डिस्प्ले नोटिस फॉर ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस के लिए एक डिस्प्ले नोटिस आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और वीडियो के थ्रू भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ग्रीवियंसेस के लिए मतलब कोई आपको पूछताछ करनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट को अपलोड करने का टाइम दिया जाए, जैसे कि लास्ट ईयर दिया गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके साथ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सके थे तो उन्हें समय दिया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि 1 दिन का या 2 दिन का या 24 आवर्स का समय दिया जाए स्टूडेंट्स को कि अगर आपका छूट गया था किसी वजह से, आप समझ नहीं पाए थे प्रोसेस को, तो अब अपलोड कर दीजिए, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए आप। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा मौका दिया जाए। उसके बाद क्या होगा, आपका 9th नवंबर को और 10th नवंबर को, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को ग्रीवियंस रिड्रेसल अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद 11th नवंबर को क्या होगा, सबमिशन ऑफ स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी मार्क्स टू द यूनिवर्सिटी, जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे देगा IGIPS कॉलेज। और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वो जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर, DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो डिस्प्ले कर देगी, पब्लिश कर देगी। ठीक है, और हो सकता है IGIPS वाली वेबसाइट पर भी आए, जहां भी आएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा और हो सकेगा तो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद 13th नवंबर को आपकी पहली मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब आप समझिए फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब आप का अगर उसमें नाम है तो मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो गया है और आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कब होगा, 13 नवंबर को होगा, जबकि आपकी पहली फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद 15 और 16 नवंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फीस का सबमिशन होगा और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, अगर उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कि फाइनल होगी उसमें अगर आपका नाम होगा तो। ठीक है, 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगा और फीस का सबमिशन भी ऑनलाइन होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, 17 नवंबर को आपकी 2nd मेरिट लिस्ट आएगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट्स ने LNIP के लिए अप्लाई किया होगा और LNIP में अगर उनका नाम आ गया है तो सीधी सी बात है कि वो IGIPS में एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स की सीट खाली रह जाएगी, हो सकता है उनका फर्स्ट में भी नाम आ गया हो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो उनकी सीट खाली रह जाने की वजह से उनकी सीट्स 2nd मेरिट लिस्ट के हिसाब से भरी जाएंगी। ठीक है,
तो सेकेंड मेरिट लिस्ट के एडमिशन कब कब होंगे? 18 और 19 नवंबर को होंगे। इसके लिए भी 2 दिन का समय दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपके फीस सबमिशन के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरी जो मेरिट लिस्ट है, थर्ड मेरिट लिस्ट, वो कब आएगी? वो आएगी आपकी 20 नवंबर को, और उसके लिए 2 दिन का एडमिशन का समय दिया जाएगा, कब? 22 नवंबर को और 23 नवंबर को, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फीस का सबमिशन होगा, ठीक है। तो ये है पूरा स्केड्यूल बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स का आईजीपीएस कॉलेज के अंदर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टेंटेटिव डेट्स हैं और इसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और बीच में जो जो चेंजेस आते रहेंगे मैं टेलीग्राम चैनल पर सारे नोटिफिकेशन सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट्स भी मिल जाती हैं जो कि कई बार समय ना होने की वजह से मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मेरी कोशिश होगी कि एक एक स्टेप को मैं यूट्यूब पर आपको अपलोड करके एक वीडियो के थ्रू समझा दूँ, लेकिन अगर किसी वजह से समय की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता तो टेलीग्राम चैनल पर तो वो सारी पीडीएफ आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से देखें अगर दोस्तों, तो नवंबर में ही, मतलब इस मंथ ही आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है अगर ये डेट्स सही रहती हैं तो। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर भी इस तरह का एक स्केड्यूल आया था, लेकिन वो अच्छी तरह से कॉलेज ने और यूनिवर्सिटी ने फॉलो नहीं किया, किसी वजह से नहीं कर पाए, जो भी रीजंस रहे। तो लगभग 1 महीना लेट ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल इतना लेट ना हो, ठीक है, 1 महीना ना लगे, जो भी फिक्स स्केड्यूल है वैसा ही उसी के अंदर अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ठीक है।